हेलो रिस्पेक्टेड ऑडियंस, मैं हूं पल्लवी डैन एशिया की तरफ से। डैन एशिया ने एक नया प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है जिसका नाम है कूल क्लिप्स, और इसके दौरान हम आपको दिखाएंगे कुछ फनी, कुछ कॉमेडी सा। कॉमेडी इटसेल्फ स्पीक्स अ वेरी बिग थिंग, बट इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आपके होठों पे मुस्कुराहट लाना है। हमारे आज के क्लिप में हम एक डॉक्टर की कहानी, जिन डॉक्टर को हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं वो भी काफी होशियार है, काफी समझदार है, पर शायद उनका हालात उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, शुक्रिया है आप आ गए। दादाजी की तबीयत काफी खराब हो गई है। ओके, मैं देखता हूं। यस, थैंक यू। छुरी होगी आपके पास? जी, छुरी जी, इधर प्लीज जल्दी कीजिए। जी है, एक मिनट। थैंक यू जी। खूबसूरत बनाती है, पर कोई भी चीज लिमिट में ना करो तो क्या पता उसका उल्टा असर भी हो सकता है। अगर आप हंसी मजाक अपने बॉस के साथ करते हो तो क्या पता टाइम आने पर आपका बॉस भी आपका मजाक बना के रख दे। आइए देखते हैं। शाह, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक है, खुदा का शुक्र है सर। आप सुनाइए। मिस्टर शाह, मैंने आपको एक जरूरी काम के सिलसिले में बुलाया है, जो कि यू वुड लाइक इट, वुड यू? मसला ये है कि आपकी जॉब अब नहीं रहेगी। जी सर। वी आर गोना क्लोज दिस कंपनी, वी आर गोना वाइंड अप। Sir, could you, can I know the reason for that? Why reasons, Mr. Shah? There are many reasons. The biggest of this is resources, fundings. It's credit crunch ki waise hum, we are going down and down and down. Making up due to certain reasons, we cannot continue to uphold this company. लेकिन सर, अभी फ्यूजिटसी वालों का हमें आया, देयर इज अ होप, वो हमें फ्यूजिटसी जापान से हमें कॉन्ट्रैक्ट देंगे। वो देयर इज अ होप, एक्चुअली आई हैव सेंट द रिपोर्ट एंड होप इज ऑलवेज अ होप। आई हैव टॉक्ड टू देम, दे आर नॉट गोना गिव अस एनी कॉन्ट्रैक्ट एनीमोर।
वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिल चुका है इस शहर। सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम पड़ा है, आप चिप्स खा रहे हैं। कंपनी बंद होगी तो इंशाल्लाह आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू वेंचर एंड आई विल कॉल यू बैक एज सून एज दैट नेवर हैपेंस सर। जब भी ऐसा होता है कि कोई कॉल नहीं बैक करता, एक चिप्स ले लूं। बिल्कुल सर, ऐसा आपने इतला देनी होती है तो एक कम से कम पानी का ग्लास और आ दिया करिए। आप ही कमाल कर रहे हैं मुझे शाह, क्या करें यार। इससे सर जी सर, आप बाकी आप साहब हालात ऐसे चल रहे हैं कि आपसे पता कौन जान सकता है। आप हमारे फाइनेंस ऑफिसर हैं सर। बस वही है कि इस वक्त अगर कंपनी के खिलाफ खराब है या इस वक्त अगर समथिंग हैपेंस टू द कंपनी और माय जॉब, दैट इज व्हाई, दैट इज व्हाई आप ये लें। नहीं सर, बिस्किट लेने सर। दैट इज व्हाई आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू वेंचर एंड आई एम गोना कॉल यू बैक। सर ये आप कहां से लेके आते हैं? मैं इसको सर एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर का रिश्ता समझूंगा। मैंने हमेशा आपको अपना एक भाई की तरह समझा और जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी आपके आदत सुबह बहुत बाल थे आपके। सर ये सारा इस वजह से वो, मैं सर आपको बता रहा, ये सारा इस वजह से वो है कि आप सारा दिन फेसबुक पे बैठे रहते थे। मैंने आपको कहा था कि सर प्लीज निकलिए, कुछ करिए, कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आइए। आप फेसबुक पे आप यार देखो ये कमाल करते हैं। तो ये थे आज के हमारे दो क्लिप्स आपके सामने। प्रोग्राम थोड़ा सा शॉर्ट था पर उम्मीद करती हूँ जो मकसद लेके आज आपके सामने हम आए थे वो मकसद ज़रूर पूरा हुआ होगा, मतलब आपके चेहरे पे मुस्कान ज़रूर आई होगी। आपके सजेशंस और फीडबैक हमें प्लीज़ भेजते रहिए। हमारा पता है danasia@life.dk। यूं ही क्लिप्स लेके हम आपके पास आते रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। पर आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खूब खुश रहिए, खूब मस्ती कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।